हेलो फ्रेंड्स, आई एम जगदीश। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ गिरते बाजार में भी आप कैसे पैसा बना सकते हैं। द मार्केट इज फॉलिंग, द वे वी कैन मेक द गुड अमाउंट ऑफ मनी। आप चाहे वो पैसा आप पोजिशन ट्रेड में बनाना चाहते हैं या आप डेरिवेटिव मार्केट बनाना चाहते हैं, तो कैश मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, दोनों मार्केट में बताऊंगा कैसे आप पैसा बनाया सकता है, कहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। तो आप देखो कि कभी भी मार्केट गिर रहा है, कहीं ना कहीं तो पैसा बन रहा है। पैसा जा कहाँ रहा है? यदि कोई किसी मार्केट से पैसा निकाल रहा है तो कहीं तो जा रहा है, क्योंकि आप देखते होंगे कि हमेशा टाइम टाइम जो है मार्केट में सेक्टर रोटेशन होता है। तो यदि आप यहाँ पर नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि आप देखो कि ये जो सेक्टर इंडेक्सेस दिख रहा है आपको, तो आपको दिखाएगा सारा सेक्टर आपका सेंसेक्स गिर रहा है, निफ्टी गिर रहा है, बैंक निफ्टी गिर रहा है, निफ्टी आईटी चल रहा है, मिड कैप चल रहा है, सारे आपको सेक्टर डाउन दिख रहे हैं। एक सेक्टर आपको दिख रहा है कि निफ्टी आईटी जो है वो चल रहा है। उसका मतलब क्या है कि आप निफ्टी आईटी पर नजर रखते हैं, क्या निफ्टी आईटी में पैसा बन रहा है? आप जाकर चेक कीजिए इसको और निफ्टी आईटी सर्च कीजिए। तो आपने यहाँ पे डाल दिया निफ्टी आईटी, तो आपको देखा निफ्टी आईटी जो है ये सेक्टर आपको दिख रहा है, ये सेक्टर आपको दिख रहा है कि ये सेक्टर ऊपर जा रहा है। ये सेक्टर आपको दिख रहा है कि आप मंथ पे देख रहे हैं तो ऊपर जा रहा है। इसका मतलब कि यदि सेक्टर सेक्टर जो सेक्टर यदि टेलीविन की तरह काम करे उस सेक्टर में पैसा बनाना आसान है। हम कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे कि कौन कौन सा स्टॉक है, ट्रेंडिंग है, कहाँ पे पैसा बनाया जा सकता है। अभी आप देखो, इसे मान लो किसी को निफ्टी में ट्रेड करना है, निफ्टी 50, तो आप देखो निफ्टी 50 इज गोइंग डाउन, निफ्टी गिर रहा है। यदि आप निफ्टी वाले स्टॉक्स में आप ट्रेड करेंगे तो आपको उसमें जो है हेडविंड ज्यादा दिखेगा, ऊपर से सप्लाई आ रही है, नीचे से डिमांड नहीं दिख रही है। आप यदि बैंकिंग वाले सेक्टर लेंगे, जैसे निफ्टी बैंक लेंगे, निफ्टी बैंक दिखेगा, निफ्टी बैंक जो है वो गिर रहा है, ठीक है, तो गिर रहा था। अभी निफ्टी बैंक वाला स्टॉक लेंगे तो आपको है आप उसमें ट्रेड नहीं कर सकते, आपको लगता है कि भाई ये स्टॉक जो है बैंकिंग वाला सेक्टर काफी गिरे हुए हैं, मैं उसको एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, एक 3 से 5 साल का रखना चाहता हूँ, लॉन्ग टर्म, तो आप उसमें सेलेक्टिव रह सकते हैं। अदरवाइज यदि आप ट्रेड करके फंसाना चाहते हैं तो आपको चलती ट्रेड बनाना। ट्रेडर क्या करता है? ट्रेडर करता है बाई हाई सेल हाई करता है। इन्वेस्टर क्या करता है? बाई लो सेल हाई करता है। इन्वेस्टर सस्ता माल उठाता है, महंगा बेचता है, लेकिन जो ट्रेडर होता है वो सस्ता के चक्कर में जाता है, वो देखता है कब स्टॉक महंगा होगा कि और महंगा हो सकता है, तो बाई हाई सेल हाई करता है। तो अभी आप देखो कि तो इसलिए बताया कि जो निफ्टी आईटी के सेक्टर जो है वो आपका ट्रेंडिंग निफ्टी आईटी, तो आप किसी भी स्टॉक को ले लो, आईटी का स्टॉक सब चल रहा है, तो वो आपको देखते हैं बाई वर्टिस जो आपको दिखता हो करती है। आप पढ़ते भी हैं, आप अपने एक आर्टिकल भी आपको फ्लैश करता हूँ, ये आपका आर्टिकल देखो, उसमें लिखा है कि व्हाई आईटी टेलविंड्स में कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 10 इयर्स। क्यों आईटी टेलविंड अगले 3 से 5 साल है, 10 साल से चल रहा है। तो जब से कोविड 20 आया है, तो कोविड 20 जो है, मतलब कि कोविड जो आया था 2020 में, जो मार्च में जो सारे सेक्टर लो बनाया था, ये सेक्टर वहां से उसमें ये सेक्टर के लिए कोविड जो है टेलविंड करता काम कर रहा है। अभी आप फिर से देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन वायरस जो है डे बाय डे अभी उसकी प्रेजेंस बढ़ती जा रही है, तो मार्केट जो है वोलेटाइल है, लेकिन आईटी सेक्टर में फिर से डिमांड देखा जा रहा है। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो है कि इस सेक्टर में जो है डिमांड बहुत ज्यादा है, आईटी सेक्टर में, तो ये 2020 से जो है मतलब कि ये बज है यहाँ पे आईटी पैक में। और कोविड ने जो है बिजनेस को, इंडस्ट्री को रियलाइज कराया कि क्यों टेक्नोलॉजी जो है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखा गया है कि अमेरिका जैसी इकोनॉमी में 500 कंपनी ने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया है, और कोविड ने इसको और एक्सेलरेट किया है डिजिटाइजेशन को। तो बोला कि इस सेक्टर में जो है डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर कंपनी चाहती है कि अपने आप को डिजिटलाइज करना चाहती है, ताकि जो लोग जो है मतलब जहाँ पे लोगों का जहाँ पे डिमांड आ रहा है उस सेक्टर को कैप्चर किया जाए, कैसे लोगों को जो है टेक्नोलॉजिकल वे में उसको अट्रैक्ट किया जाए। लेकिन जो इनके पास चैलेंजेस आ रही है, चैलेंजेस आ रही है सप्लाई साइड में, क्योंकि जो नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं वहाँ उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक नए टैलेंट की जरूरत पड़ती है, और वैसे टैलेंट को यदि कंपनी चाहती है कि हम हायर करें तो वहाँ पे उनको 30-40% जो है उनको पे हाइक देना पड़ता है, ये उनके लिए चैलेंज है। तो अभी जो मेन चैलेंज है ट्रेन एंड रिट्रेन, पीपल को ट्रेनिंग देना और रिट्रेन करना। इसमें जो है जो कंपनी एनलिस्ट को अच्छी लग रही है वो कंपनी है टीसीएस। तो बताया जा रहा है कि टीसीएस जो है एक
हिस्टोरिकल देखा गया है कि उन्होंने जो है एक लो कॉस्ट में जो है उन्होंने इलेक्ट्रिशियन को इंडस्ट्रीज बेस्ट इलेक्ट्रिशियन रेट एंड द लोएस्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। तो आप टीसीएस को देख सकते हैं। तो टीसीएस आपको, अब ये टीसीएस लार्ज कैप स्टॉक है, आप बहुत बड़ा रिटर्न नहीं देगा लेकिन आपको एक हेल्दी रिटर्न दे सकता है। आप चाहते हैं कि लेके आप बैठे रहो तो आपको, आपको टीसीएस धीरे धीरे चल रहा है। आप डेली चार्ट पे देखें तो स्टॉक जो है उठने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा वीक पे देखें तो और क्लैरिटी आएगा। तो स्टॉक जो है धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहा है, तो आप टीसीएस में लग सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं टीसीएस बहुत महंगा स्टॉक है, या महंगा मतलब इन सेंस कि मार्केट कैप बहुत बड़ी है, इसमें आपको हमारा पैसा 100% नहीं बनेगा, तो आप टीसीएस को से सर्च करो और देखो टीसीएस के पीएस में और कौन कौन सी कंपनी है जो हमें पैसा ना दे सकती है। तो हम आपको क्विकली जो है अपनी एक्सपीरियंस बता दूंगा कि आप टीसीएस, तो आप इन्फोसिस में लो, ठीक है। अभी इन्फोसिस देखो तो इसका 50% मार्केट कैप है, अभी 7,000 8,000 करोड़ कंपनी है। आपको और छोटा लेना है तो आप जो है एलएमटी इन्फोटेक ले सकते हो, आप माइंड ट्री ले सकते हो। अभी आईटी में देखो सब जगह पैसा बन रहा है, कहीं भी आप लगा दो पैसा ऑलमोस्ट ठीक ठाक लगा दिया पैसा बन जाएगा। प्रेफरेंस वाइज यदि आप जो तो इन्फोसिस, एलएनटी इन्फोटेक, माइंड ट्री, आपको लगता नहीं सस्ता लेना है थोड़ा सा, ये सब बहुत महंगा महंगा स्टॉक है, तो आप विप्रो में भी ले सकते हैं। थोड़ा सा और आपको लगता है नहीं ये जो है ना लार्ज कैप की कंपनी है, थोड़ा सा आपको मिड कैप स्मॉल कैप में जाना है, तो आप जैसे मान लो कि आपने डाल दिया एक कंपनी है, एक कंपनी कल चल रही थी केपीआईटी टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो केपीआई टेक्नोलॉजी आप देखो कि आप यहाँ दिखा तो आप चल रही है कि नहीं, तो आप केपीआईटी टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये आप देखो ये भी स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई पे है, ट्रेंडिंग है, कल भी स्टॉक जो है चला है। ऐसे स्टॉक को जो है हमने अपने फ्रंट पेज पे भी रिकमेंड किया, केपीआईटी को हमने रिकमेंड किया कि केपीआई टेक्नोलॉजी जो है 530 से 560 580 तक जा सकता है। ऐसे ट्रेंडिंग स्टॉक्स हम अपने जो है हमारी जो सर्विसेज है फ्रंट पेज है वहां पर डालता हूँ, ठीक है। तो आप केपीआईटी को यदि आप स्क्रीन पर डालते हैं आप देखो तो केपीआईटी जो है छोटी कंपनी है, 14,000 करोड़ कंपनी है, अच्छी कंपनी है, कंसिस्टेंटली उसकी अर्निंग बढ़ती जा रही है। आप उसके प्रॉफिट लॉस को भी ट्रैक करेंगे तो आपको दिखेगा कंपनी जो है कंसिस्टेंट बेसिस पे पैसा बना रही है। तो 90 में 54, 148 करोड़, 146 करोड़, 220 करोड़, ऑलमोस्ट जो है डबल कैश फ्लो दिख रहा है, ठीक है। तो इस आप छोटे स्केल में आप देखो, छोटे में आप करना है तो आपको हमारे हिसाब से आप एजेंटी इन्फोटेक में कर सकते हैं, परसेशन काफी भाग चुका है, कोफोर्स में कर सकते हैं, टाटा एलेक्सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है टाटा एलेक्सी हो गया, केपीआई टेक्नोलॉजी हो गया, तो ये आप इन सब स्टॉक पर फोकस कर सकते हैं। ऐसे आप कहीं भी लगाओ पैसा बन जाएगा। एक और छोटी कंपनी है जिसे कल चल रही थी एफएसएल, फर्स्ट सॉल्यूशन, तो आप ये भी और छोटी कंपनी है, 12,000 करोड़ की मार्केट कैप है, ये भी कल चल रही थी। इसको भी कल हमने जो है स्टॉक को रिकमेंड किया था, आप यहाँ पे देखें तो एफएसएल को भी हमने रिकमेंड किया था। एफएसएल को हमने इनफैक्ट जो है 180 पे ही रिकमेंड कर दिया था हमने स्टॉक को, आप देखेंगे तो जो है हमने 23 दिसंबर को, आज हो रहा है 25 दिसंबर, तो 23 दिसंबर को हमने रिकमेंड किया कि स्टॉक 175 से 180 185 जाएगा। तो आप देखो कि इसको यदि हम देखेंगे तो आपको देखेगा कि ये जो है टारगेट जो है इसने फ्राइडे को हिट कर दिया, स्टॉक जो है 4% पड़ गया और 1-2 हिट कर दिया। तो ऐसे आपको स्टॉक्स मिल जाते हैं जहां पे मार्केट गिर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो आपको पैसा बनाने का मौका देता है, तो आप ऐसे स्टॉक बना सकते हैं। आप इस ऐसे स्टॉक में आपको डेरिवेटिव मार्केट काम करना है तो मैं वहां पे बताता भी हूँ, यहाँ पे भाई हमें अदर सर्विसेज है जहाँ पे मैं डेरिवेटिव पर बताता हूँ। तो अगर आप देखो हमने यहाँ पे एफएसएल बताया, हमने बताया कि ऐसे एफएसएल आप ले लो, आपको वहां पे 190 का कॉल हमने दिया था, इसका ये मीनिंग है एफएसएल दिसंबर महीने में 190 का कॉल प्राइस, 190 का स्ट्राइक प्राइस लेना, ये 21 है 2021 दिखा रहा है। तो अब आप हमने बताया कि ये जो है आपको ये सब टारगेट है, तो आप देखेंगे टारगेट हिट हुआ कि नहीं। तो आप यदि आप जाते हैं और यहाँ पे यदि आप सर्च करेंगे तो आप यहाँ पे अपने सर्च कर रखा हुआ है, तो आप देखो ये जो है एफएसएल जो है तो इसने इंट्राडे में जो हाई लगाया था 3.7, तो जो हमारा पहला टारगेट था वो हिट हो गया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि एफएसएल में जो है वो पहला टारगेट में 3.7 दिया था जो हिट हो गया। तो आप डेरिवेटिव मार्केट में कमा सकते हैं, यदि आपको लगता है कि स्टॉक ट्रेंडिंग है, आपको डेरिवेटिव समझ है, तो आप वहाँ कर सकते हैं, नहीं तो आपने हमारा सर्विस लिया होगा तो आप वहाँ पे जरूर कमा सकते हैं। ये तो ऐसे हमने एक एफएसएल ने बताया था, हमने एससीएल टेक्नोलॉजी बताया था, एससीएल टेक्नोलॉजी भी कल ट्रेंडिंग था, आप देख सकते हैं कि एससीएल टेक्नोलॉजी में भी जो है हमने यहाँ बताया था। तो इसमें भी हमने जो टारगेट दिया था, हमें जो टारगेट दिया था एससीएल टेक्नोलॉजी में, तो वहां पे हमने
ये 10.5 रुपीज पे जो जब ट्रेड करता हूँ हमने, जब हमने पिंग किया था तो 10.5 पर ट्रेड करा था, हमें पता होता है कि 12, 20, 16, 18.5, हम देखते हैं उसने कितना हाई लगाया। स्टॉक ने 21.9 तक का हाई लगाया हुआ है, तो इसमें भी आपका पैसा बना। तो ऐसे स्टॉक में जो है लोग पैसा बनाते हैं, जो हमें फॉलो करते हैं वो पैसा बनाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने लिखा है FSL में, उन्होंने पैसा बना लिया, एक लॉट लिया था, SL टेक्नोलॉजी पैसा लगा था। थैंक यू सो मच सर, इट्स ऑल बिकॉज योर गाइडेंस। तो बताने का पर्पस ये है कि यदि आपको लगता है कि सेक्टर चल रहा है, उस सेक्टर के स्टॉक में लाके आप कैश में भी ट्रेड कर सकते हैं और आप डेरिवेटिव मार्केट में लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि आप सेक्टर फोकस करो, जैसे IT सेक्टर चल रहा है तो IT सेक्टर को आप देखो। सेक्टर यदि चल रहा है तो वो एक टेलवन की तरह काम करता है, और उससे रिलेटेड जो स्टॉक आपको जो चल रहे हैं, जैसे हमने आप कल भी आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये सब स्टॉक जो है कल जो स्टॉक चल रहे थे, कल आपको जैसे कोफोर्स चल रहा था, SL टेक्नोलॉजी चल रहा था, आप ऐसे स्टॉक में टेक महिंद्रा चल रहा था, तो आप ऐसे स्टॉक में अपने क्लोजिंग बेसिस पे पोजीशन बना सकते हैं। छोटे स्केल में आप देखेंगे तो छोटे स्केल में जैसे आप KPIT टेक्नोलॉजी चला था, फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन चला था, तो आप वहाँ पे चला सकते हैं। तो ऐसे स्टॉक को हम वहाँ पे रिकमेंड भी करते हैं जहाँ पे मुझे अच्छा लगता है। तो आप हमसे जुड़ने के लिए आप हमें टेक हमें हमारे टेलीग्राम चैनल जो है जगदीश स्टॉक क्लास, वहाँ फॉलो कर सकते हैं। आप हमें ट्विटर फॉलो कर सकते हैं जगदीश पेज के, वहाँ पे भी हम ट्वीट डालते रहते हैं, आप फॉलो कर सकते हैं। आपको सीखना है तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए, जगदीश.com है, वहाँ विजिट कीजिए, वहाँ पे हमें क्लासेस की डिटेल मिल जाएगी। और आपको फीडबैक चाहिए तो आप गूगल में सर्च कीजिए जगदीश स्टॉक मार्केट क्लासेस निकाल सके, वहां पे हमारी क्लासेस की फीडबैक मिल जाएगी। आपको कौन सा स्टॉक लगता है कि जहां पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, या आपको कहीं डाउट लगता है तो आप जरूर कमेंट कीजिए। कौन सा अच्छा, कहाँ आप इन्वेस्टेड हैं, कौन सा आपको अच्छा लगता है, कहाँ पे थोड़ा क्लैरिटी चाहिए, सब डालिए। नॉट इन IT, एनी स्टॉक आपको लगता है कहीं, आप कमेंट कीजिए, हम आपको आंसर करेंगे। आपको अच्छा लगता है लाइक करें, फ्रेंड फैमिली को शेयर कीजिए, हो सकता है कि आपको अच्छा लगा आपके फ्रेंड फैमिली को भी अच्छा लगा, वो भी आपको इनकरेज करेंगे। इस तरह से भी नॉलेज जो है एक्सपोनेंशियल बढ़ता है। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे हम वैल्यूएशन जो है नॉलेज आपको टाइम टू टाइम शेयर करते रहते हैं। और कौन सा टॉपिक आपको देखना है जरूर कॉमेंट कीजिए। थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।